एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर, जैसे अगर हम अर्थ की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, इस तरीके से हमारे पास एग्जोस्फियर तक जाता है। अब ये जो चीजें हैं जो हमारे अर्थ को एक तरीके से ब्लैंकेट है या फिर इनका या कवरिंग है, तो जो ये एटमॉस्फेयर है इसका भी कुछ प्रेशर हम पे पड़ता है। तो जो प्रेशर एग्जर्ट करता है ये एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ पे, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका करीबन जो वैल्यू होती है वो उतनी होती है, यानी कि अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 10 टन, 1 मीटर स्क्वायर पे 10 टन के बराबर है। अगर सी लेवल पे जाएं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो करीबन 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम का होता है, इसको कई बार मिलीमीटर में भी देखते हैं। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है HDG की बात करें तो आप अगर एच ये ले लें, बाकी अगर ये हम इसको कन्वर्ट कर दें अपने डाइन वाले सिस्टम में ये वैल्यू को, तो हम देखेंगे ये डेंसिटी हमने मर्क्यूरी की ली है, मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13.6, 76 इसका सेंटीमीटर का लेंथ है, और क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहे हैं तो हमने जो 9.8 है ग्रेविटी है उसको भी हमने डाइन वाले फॉर्म में CGS में चेंज कर दिया। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप सोचते होंगे इतना जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है तो हमारी बॉडी तो टूट जानी चाहिए, जो एटमॉस्फेयर है वो हमें दबा देना चाहिए, लेकिन ऊपर वाले ने सारे इंतजाम करके रखे हैं, जो प्रेशर है हमारे बॉडी में या ब्लड में जो फ्लो कर रहा है अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में वो इस प्रेशर को बैलेंस करता है। जो प्रेशर है हमारे खून का जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में घूम रहा है वही इस प्रेशर को बैलेंस करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको हम टॉर में नापते हैं, बार में नापते हैं। एक टॉर होता है 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी कॉलम का, एक बार होता है 10^5, जो आपने यहाँ पर देखा 10^5 पास्कल। अच्छा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास बैरोमीटर है उनको हम कहते हैं एनेरॉइड बैरोमीटर।